नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो नारी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए, भीतर जगाने के लिए है। हमारी जो बेटियां, जो बहनें, जो माताएं, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, जरा एक बार अपनी दिव्य शक्तियों को याद करें, याद करें अपनी उस महादुर्गा की शक्ति को, क्योंकि आप उस शक्ति को भूलकर बहुत बार लोगों के शोषण का शिकार हो जाती हैं। मैं जगाना चाहता हूं समस्त नारी शक्ति को, मैं उस देवी दुर्गा की महाशक्ति को आपके भीतर सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। आप महिषासुर जैसे महाराक्षस की का घात करने वाली वो दिव्य शक्ति आपके अंदर मौजूद है। याद रखिए, सिर्फ आप उसको भूल कर ही कमजोर पड़ जाती हैं, और जब आप कमजोर पड़ जाती हैं तभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री, कोई भी व्यक्ति आपके आपकी मजबूरी का नाजायज फायदा केवल तब उठा सकता है जब आप कमजोर पड़ जाती हैं। मैं आपको एक बार याद दिलाने चाहता हूं आपकी वो दिव्य शक्ति, आपके अंदर वो महा शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है जो समस्त संसार का कंट्रोल कर सकती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। याद रखिए, ये उसी देवी को नमस्कार है जो आपके भीतर स्थित है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपकी दिव्य शक्तियां, कमजोर मत पड़ा कीजिए, हमेशा पुरुषों पर निर्भर मत रहिए हर बात के लिए। कहीं ना कहीं इस पुरुष प्रधान समाज ने नारियों के अंदर वो नेगेटिविटी डाल दी है, उनके भीतर जो है एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर दी है। उन्हें उनकी जो उनके अंदर जो दिव्य शक्तियां थी, जो पॉजिटिव गुण थे, जैसे उनके अंदर एक ममता का, प्रेम का, करुणा का एक सहज गुण होता है, लेकिन उस गुण को कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज ने डिमिनिश किया, उसे दबा दिया गया और यही कहा गया कि तुम कमजोर हो, उसे उसकी कमजोरी बना दिया गया। आप कमजोर नहीं हैं, महादुर्गा का रूप हैं आप। बस मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं आपकी वो दिव्य शक्तियां, कि अपने आप को कमजोर मानकर किसी भी शोषण का शिकार मत बनिए। कोई आपको दबा नहीं सकता, कोई आपकी ऊर्जा को कमजोर नहीं साबित कर सकता। अपनी उसी दिव्य शक्ति का आह्वान कीजिए, आह्वान कीजिए अपनी उस महादुर्गा स्वरूप का। अगर आप अपने पे उतर आए, अपनी उस पावर पर लेकर आप जागृत हो जाएं, तो कोई आपके सामने ठहर नहीं सकता। इसलिए मेरी बस इतनी सी विनती है, अपने अंदर वो जो दिव्य गुण है ना, उनको याद कीजिए। आप एक तरफ अति सौम्या, अति प्रीतिकर, प्रेमपूर्ण हैं, करुणा और दया की मूर्ति हैं, ये भी परमात्मा की दी हुई रहमत है आपके ऊपर, पर एट द सेम टाइम आप दिव्य शक्तियों का भंडार भी हैं। आपके अंदर वो महान ऊर्जा मौजूद है, अगर आप ठान लें, संसार की कोई ताकत आपके सामने ठहर नहीं सकती। मैं याद दिला देना चाहता हूं आपकी दिव्य शक्तियां, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अगर किसी को लगता है कि लड़कियां कमजोर हैं बुद्धि के मामले में, बिल्कुल भी नहीं। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, जो याददाश्त है, याद रखिए वो आप ही की दिव्य शक्ति है। भूल मत जाइए अपनी ताकत को। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहता हूं, याद कीजिए देवियों अपने भीतर की उस शक्ति का आह्वान कीजिए। कोई नकारात्मक चीज, कोई नकारात्मक व्यक्ति, कोई नकारात्मक इंटेंशन आपके सामने नहीं ठहर सकता। बस आप भूल जाते हैं तो लोग आपका मिसयूज करने लग जाते हैं। अपनी उन दिव्य शक्तियों को जगाइए, जगाइए अपनी उस महाशक्ति को, और कहिए कि मैं अपने, जहां एक तरफ मैं प्रेमपूर्ण हूं, वहां दूसरी तरफ मैं शक्ति संपन्न भी हूं। दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलिए। अपनी उस कोमलता को, प्रेम को छोड़ भी मत दीजिए, वो भी आपका गुण है, ऐसा महान गुण है जिसका कोई मुकाबला नहीं। पर एट द सेम टाइम आप वो दिव्य ऊर्जा लिए हुए हैं कि जिसके सामने कोई भी पाखंडी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा दरिंदा आपके सामने ठहर नहीं सकता। ये आपकी उसी दिव्य शक्ति का मैं आह्वान करता हूं, उसी दिव्य ऊर्जा का मैं आह्वान करता हूं। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं आपकी उस दिव्य शक्ति को, कि आप अपने उसी दिव्य रूप में आए और अपने आप को याद करें। कोई भी आपको, कोई भी आपके नेगेटिविटी,
आपके सामने नहीं ठहर सकती। बस इतनी ही मेरी आपसे विनती है कि अपने उस दिव्य ऊर्जा को कमजोर मत पड़ने दीजिए, अपनी उस दिव्यता को जगाते रहिए। बार बार जगाना पड़ता है, बार बार पुरुष प्रधान समाज ने जो अत्याचार किए हैं उसकी वजह से एक नकारात्मकता आ गई है, माइंड गलत तरीके से प्रोग्राम हो चुका है आपका, जो आप बहुत बार इन जुल्मों को भी सह जाती हैं। आपकी सहनशीलता आपकी ताकत है, आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन कमजोरी बना दी गई है। इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ रहा है आपको, प्लीज अपने अंदर जागिए, अपने भीतर की उस ऊर्जा को, अपनी शक्ति को जगाइए जगाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक विचार, नकारात्मक मन आपके सामने नहीं ठहर पाएगा। बस इतना ही याद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने भीतर की उस दिव्य ऊर्जा को पहचान सकेंगे। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो के बारे में, आपको कैसा लगा। मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन भी बनाया है, मैं जरूर शेयर करूंगा, जहां पर आप अपनी उन्हीं दिव्य शक्तियों को जगा सकती हैं। समस्त नारी जाति को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।